प्रेगनेंसी के शुरुआत में ब्लीडिंग कितनी खतरनाक हो सकती है। जी हाँ, अगर आप बहुत दिन के बाद प्रेग्नेंट हुए हो या अगर आप फर्स्ट टाइम भी ऐसे ही प्रेग्नेंट हो गए हो तो भी वो बच्चा आपके लिए बहुत प्रेशियस होता है और वो ब्लीडिंग देख करके ऑब्वियसली आपको बहुत डर लगेगा। पर बिलीव मी, हर ब्लीडिंग जो अर्ली प्रेगनेंसी में होती है वो खतरनाक नहीं होती है। पर ये देखने के लिए आपके टेस्ट होने बहुत ज़रूरी हैं और डॉक्टर से आपका मिलना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि आपको हो सकता है कि जब भ्रूण डाला गया उस वक्त एक्सटर्नल मैनिपुलेशन की वजह से थोड़ी स्पॉटिंग हो सकती है, वो नॉर्मल है बिकॉज वो इंटरनली अंदर जाके ऑर्गन्स को हर्ट नहीं कर रही है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद कभी कभी इम्प्लांटेशन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। नॉर्मल कंसेप्शन में भी अगर इम्प्लांटेशन होता है तो कभी कभी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। तीसरी, शुरू के प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत बार इन्फेक्शन की वजह से भी देखा गया है कि पेशेंट ब्लीड कर रहा है। अगर आप वक्त पे अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाओ अगर वो इन्फेक्शन कंट्रोल हो भी सकता है। तीसरी चीज़ क्या है, कभी कभी टॉपिक हेटरोटॉपिक प्रेगनेंसी के केस में भी ब्लीडिंग और स्पॉटिंग होती है, वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है और उसमें आपके डॉक्टर को आपको डॉक्टर की हेल्प इमीडिएट आपको सीक करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये सब, और कभी कभी तो ऑब्वियसली जो थ्रेटन्ड अबॉर्शन होते हैं, मिस्ड अबॉर्शन होते हैं, उसमें ब्लीडिंग होती है। तो इन सब चीज़ों में आपको अपने डॉक्टर की हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। वो आपको सही गाइड करेंगे और बताएंगे कि ये ब्लीडिंग सही में स्ट्रेसफुल है या आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना, आप नॉर्मल मेडिकेशन से आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मली कंटिन्यू हो जाएगी। हम रखें आपका ख्याल।